हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 91 एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का मैथ, जिसमें एक्सरसाइज है 6.2 और 6.1 में आपको पता ही है टिक द करेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से करके। तो करते हैं 6.2 और 6.2 में देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल देखो ए सी और क्या दे रखा है बी, और इसमें भी दे रखा है, यहां पे दे रखा है ई और इधर दे रखा है डी, डी दे रखा है और ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है सेंटीमीटर, और इधर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, और नीचे दे रखा है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो देखो आपसे ये पूछा गया दो सवाल में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट में आपसे पूछा गया है ई सी, मतलब आपको बताएंगे ई सी, यही फाइंड करना है। देखो आपसे लिखा है कि पहले दिया क्या है तुम्हारे पास या गिवन है, तो पहले यहां पर लिख लेंगे गिवन या दिया। तो क्या क्या दे रखा है, डी ए बराबर कितना दे रखा है, यानी डी ए बराबर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखो डी बी बराबर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी डी बी बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और दे रखा है ए बराबर कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ए बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। फिर आपसे ज्ञात करना है ईसी आपसे पूछा गया है, को आपको बताना है ईसी कितनी होगी आपके पास। देखो तो क्या करेंगे, ईसी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, ईसी आपको ज्ञात करनी है। देखो क्या करें, इसका फॉर्मूला होता है, देखो एडी अपॉन में कितना आ जाएगा डीवी, उसी तरीके से आ जाए ट्रायंगल आ जाएगा तुम्हारे पास ए अपॉन में ईसी आ जाएगा। तो देखो करते हैं बच्चों, इधर आ जाएगा आपके पास ट्रायंगल एडी अपॉन में आ जाएगा डीवी, अपॉन में क्या आ जाएगा डीवी, इक्वल में आ जाएगा तुम्हारे पास ए और अपॉन में आ जाएगा ईसी। यहां तक मेरे हिसाब से कोई बच्चों आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो हमने क्या किया, ए एडी नीचे आ गया, देखो एडी आ गया, फिर कितना था तुम्हारे पास डीवी, तो डीवी निकल गया नीचे, इसके इक्वल में दूसरी वाले में आ गया तुम्हारे पास ए अपॉन में आ गया ई सी आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, देखो एडी बराबर आपको गिवन है, एडी बराबर कितना दे रखा है 1.5, तो देखो बच्चों यहाँ पे कर दे रहे जगह भी दे रखी है, तो एडी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 अपॉन में। डीवी कितना दे रखा है, डीवी दे रखा है यार 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इक्वल में आ जाएगा तुम्हारे पास एई, एई दे रखा है कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया, ईसी, तो ईसी आपके पास पता नहीं, तो ईसी आपकी निकल आई ईसी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो ऐसा करो पॉइंट को हटा दो, कोई दिक्कत है, मैंने यहां से पॉइंट हटाया, यहां पे कितना आ गया 0 आ गया, 15 दूनी कितने होते हैं 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ईसी बराबर आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। यही आंसर सही था, शायद समझ में आ गया होगा बच्चों, अगर नहीं आया हो दोबारा वीडियो देख करके रोक करके दोबारा देख लीजिए प्लीज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड देखते हैं, इसे रफ करा दे रहा है, इस सेकंड वाला क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ट्रायंगल दे रखा है आपका, इसका नाम दे दे रहे हैं, क्या दे रखा है ए
बी सी और डी ई, ये तो ट्रायंगल दे रखा है आपका, तो ये दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर और ये वाली आपको पता नहीं है, और इधर रखा 5.4 सेंटीमीटर और इधर रखा 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे इसे, आप वही तरीका जो पहले अभी मैं कर चुके सेम, और देखो आपको बताऊं लिखने या फिर हम लिखे दे रहे, चलो यहां पे लिखे दे रहे, यानी दे रखा है तुम्हारे पास क्या दे रखा है बी डी, बीडी बराबर दे रखा 7.2 सेंटीमीटर, ईसी बराबर दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर, एई बराबर दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और डी ए बराबर दे रखा है आपको निकालना है, डी ए बराबर आपको क्या करना है निकालना है। देखो कैसे करते हैं, सेम भाई क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, क्या करेंगे एडी अपॉन में कितना आ जाएगा डी भी, तो यहां पे करते हैं एडी अपॉन में क्या आ जाएगा डी वी बराबर ए अपॉन में आ जाएगा ईसी, ईसी अगेन। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, अब वैल्यू रख देंगे एडी निकालना, देखो एडी तो वही रहेगा तुम्हारे पास सेम, कुछ फर्क नहीं, डी वी कितना दे रखा है 7.2, ए ई अपॉन में कितना आ जाएगा ईसी, देखो नीचे आ गया ईसी आ गया। आप क्या करेंगे देखो, सॉरी सॉरी क्या नाम क्या दे रखा है इसमें, ए ई की वैल्यू दे रखी है आपके पास ए ई की 1.8 और नीचे दे रखी है 4., ये दे रखा है वैल्यू, ठीक है, तो इस पॉइंट से पॉइंट क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे यहां से, ठीक है, तो 18 तिया कितने होते हैं 54 होते हैं, तो इसे हमें मात्रा भेज देंगे तो ए डी बराबर आ जाएगा, तो 7.2 अपॉन में कितने आ गए 3, इस पॉइंट को हटाएंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बच्चों देखो मैं सिंपल तरीका होता है, 3 का क्या कर देंगे पहले में डिवाइड दे देंगे, 3 दूनी 6 कितना बचा 1, तो चलो 12 है, आपको पता नीचे कितना था 0 था, 1 अंक था, मतलब पहले आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, तो आपका जो बच्चों फाइनली आंसर आ जाएगा एडी बराबर कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज थर्ड भी इस टाइम दे रखा है तो आप लोग कर भी सकते हो, नहीं तो मैं चलो करा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ दे रखा है इसी का थर्ड, इसमें तो क्वेश्चन दो ही दे रखे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड करना है, ठीक है बच्चों, देखते हैं सेकंड में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड में दे रखा है, देखो सेकंड वाला मैं पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर में ये दे रखा है तुम्हारे पास कि किसी ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में लिखिए कि बताइए कि ई एफ पैलर है क्यू आर के। तो देखो कैसे करते हैं, ऐसे ट्रायंगल दे रखा है क्वेश्चन नंबर टू में, ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, मैंने मान लिया एक ट्रायंगल दे रखा है क्या पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दे रखा है, तो आपसे ये कहा गया है देखो पी पी क्यू तो पी क्यू ये आ गया, फिर बोला गया तुम्हारे पास पी आर तो आपके पास पी आर है, क्रमशः बिंदु ई एफ पर क्या है स्थित है, मतलब मान लिया तुम्हारे पास फिर यहां पे होंगे ई एफ, तो यहां पे क्या दे दिया ई एफ नाम दे दिया, कोई दिक्कत है किसी को नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, तो प्रत्येक में स्थित में से बताइए कि ई एफ बराबर है क्यू आर के, तो देखते हैं करते हैं दोनों बराबर आपको निकालना इक्वल है तो
बता देना इक्वल है, नहीं है तो नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है या गिवन है, दिया है या गिवन। तो क्या क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है पीई, पीई बराबर दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, फिर दे रखा है ईक्यू, ईक्यू बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पीएफ बराबर दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर बराबर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। देखो सेम कंडीशन वही है, सेम सवाल भी आपका वही दिखा है, कुछ भी अलग नहीं है इस वाले में भी। तो देखो क्या करते हैं, देखो पीई तो आ जाएगा आपका पीई, अपॉन में आ जाएगा ई क्यू बराबर पी एफ, पी एफ अपॉन में कितना आ जाएगा एफ आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अभी देखना दोनों वैल्यू तरफ बराबर इक्वल आ रहे हैं तो आपका आंसर होगा, और नहीं आ रहा तो नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। तो पीई पी कितना दे रखा है 3.9, ई क्यू 3 दे रखा है इक्वल में देखो, पी एफ कितना दे रखा है पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, और ये वाला कितना दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, नीचे आ जाएगा साइड। देखो अच्छा मैंने पॉइंट को हटाया, यहाँ पे क्या कर दिया जीरो नीचे कर दिया। अब काटते हैं देखो, तीन से काट दो, तीन एक कम तीन, तीन तरह का नौ, और देखो तीन से काटेंगे तो कितना आ गए 10 नीचे आ गए। इसे छह से काट दो, छतरंग 36 और छह चौक 24 और भी घट जाएगा। तो आपको बच्चों यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा कि दोनों तरफ वैल्यू जो है आपकी ऊपर नजर नहीं आ रही हमारे पास। आपसे क्या पूछा गया था देखो बच्चों, आपसे पूछा गया था कि ई एफ और क्यू आर, ई एफ इक्वल है क्यू आर, मतलब ई एफ इक्वल है क्यू आर के, मतलब आपसे ये पूछा गया था अगर दोनों तरफ ये वैल्यू क्या होती बराबर आ जाती तो मुझे पता था कि ये वैल्यू कैसी होगी इक्वल होंगी, लेकिन ऐसा तो आपको कोई चांस भी नहीं नजर आ रहा है। मान लो यहां से मैंने काट भी दिया तीन, और नीचे कितने आ गए तुम्हारे पास दो, और दो से काट देंगे इधर कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, तो भी लेकिन इधर कितना आ जाएगा 5, और इधर कितना आ जाएगा आपका 5 × 15, आपका इक्वल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये ई एफ पैरेलल क्यू आर नॉट इक्वल, ई एफ नॉट इक्वल क्यू आर, ये रेखाएं समांतर नहीं होगी। तो यहां पे लिख देंगे समांतर नहीं होगी, यहां लिख दो नहीं होगी, बस आपको ये लिखना था, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। तो आप देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, देखो आगे वाले में क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल यही का दूसरा बना था यही वाला है, तो ये वैल्यू भी होगी सर, नहीं वैल्यू अलग है, तो इसे मैं डाल दूंगा बस, पूछ पूछ के कर रहे सवाल है। तो देखते हैं, देखो यही ट्रायंगल सेम दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का है, क्या है सेकंड, सेकंड में आपका सवाल क्या दे रखा है, देखो पीई बराबर दे रखा है पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई ये रखा 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर दे रखा 8 सेंटीमीटर, और आर ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, सेम भाई कंडीशन रखना है भाई, आपका आंसर है भाई, सब कुछ मिलेगा। तो मैं भी पी दे रखा है, देखो पी ई आ गया, ई क्यू तो नीचे भी ई क्यू दे रखा है, पी एफ तो पी एफ भी लिखा है, एफ आर तो एफ आर भी मिल गया, शायद कोई डाउट नहीं होगी यहां तक किसी को। तो देखो बच्चों करते हैं ऐसे, अगर दोनों तरफ वैल्यू बराबर आती है तो आंसर कितना हो जाएगा इक्वल है, पैरेलल होगा कुल मिला के, समांतर है, अगर जो नहीं इक्वल है तो आपका समांतर नहीं होगा।
तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसे भी। देखो पीई की वैल्यू कितनी रखी तुम्हारे पास, फोर, तो फोर आ गया। ई क्यू की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 4.5, नहीं तो 4.5 आ गया, इक्वल मैंने रखा है। पी एफ कितना दे रखा है, 8, और एफ आर कितना दे रखा है, 9 आ गया। देखो बच्चों यहां से इसी पॉइंट को हटाने तो कितना आ गया, 40। जैसे 5 से देखो यहां पे काट दे रहे, 5 से काटेंगे, 5 8 40 और 5 में 45, तो 8/9 इधर भी आ गया, तो इसे भी काट दो, 5 में 45 5 8 40। देखो बच्चों दोनों तरफ वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई, यानी सेम कंडीशन है। तो आपके पास में लिख सकते हैं यहां पे भी क्या लिखा था तुम्हारे पास, ई एफ पैरेलल है क्यू आर, यहां पर लिखते हैं ये समांतर होंगी। बस आपको ये बताना तुम्हारे पास ये पैरेलल है या नहीं है। मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन भी, देखते हैं करते हैं आगे वाला। हाँ बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक काम जरूर करना, जिससे आप तक वीडियो पहुंच सके, आपको चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके, और आपने सहयोग किया तो आपको लगातार मैथ भी मिलता रहेगा इसी तरीके से, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो आपका चैनल भी चलता रहेगा साथ इसी तरीके से। तो देखते हैं बच्चों आगे, इसमें भी यही बना था, तब मैं यही बना है, तो कर लेना आप लोग। सब में एक ही कंडीशन है भाई, देख लो क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने, पी क्यू यानी पी क्यू कुल मिला के ये पूरी अब की बात दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर ये वाली पूरी, पी आर कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, 5-6 सेंटीमीटर, पी पी ए 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ इधर रखिए 0.36 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, एक लेंथी भी क्वेश्चन कर सकते हो और चाहो तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, आप लोग कर लेना घटा के। तो हम देखो क्या करेंगे, अगर इतनी ये पूरी दे रखी तुम्हारे पास ठीक है, और इसे अगर जो मैं आधी की बात करें, अगर जो ये इतनी पूरी होगी तो ये पूरी जब इतनी दे रखी टोटल, उसमें से अगर जो घटा दे तो आपके पास यही बचेगी, तो मैं क्या कर रहे हैं इसमें से बच्चों यही पे घटा दे रहे, घटा देंगे तो देखो माइनस का कितना बचेगा 0.1, कुल मिला के ये कितना आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। आपको शायद समझ में आया, मैंने क्या किया इस वाले पूरी, मतलब ये तो पूरी दे रखी थी तुम्हारे पास, पूरी कितनी थी 1.28 सेंटीमीटर, और ये ईपी कितना दे रखा था 0.18 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया इस वाले में से ये वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, तो ये वाली वैल्यू निकल के आ गई, ई क्यू कितना आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। उसी तरीके से इसे करेंगे, इसमें से देखो 0.36 को घटा देंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास 0.22, ये वाली आ जाएगी 2.20 सेंटीमीटर, तो कर लेंगे बच्चों। देखो आप देख लेना, मैं यहां पे लिखा दे रही, तो आपके पास क्या क्या दे रखा है, पी 0.18 सेंटीमीटर। देखो मैंने निकाल दी कुछ वजह, अब यहां पे लिखा दे रही, पहले दे रखा था पी क्यू, यानी पी क्यू आपका दे रखा था 1.28 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ई क्यू मैंने निकाल लिया कितना आ गया 1.10 सेंटीमीटर, और पी एफ, पी एफ दे रखा है गिवन है आपका कितना 0.3 सेंटीमीटर। देखो पी एफ के बाद कितना दे रखा है आपको, पूरी पी आर कितना दे रखा था तुम्हारे पास 2.56 सेंटीमीटर, तो यहां पर ले लेंगे पी आर बराबर कितना दे रखा है
2.56 सेंटीमीटर, लिख लेना बच्चों सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर आगे दे रखा है हमारे पास एफ आर, तो मैंने एफ आर आपको निकाल के बता दिया, उस वाले में से कटा देंगे तो कितना आ गया 2.0 सेंटीमीटर। अब सेम इसी फॉर्मूले में रखेंगे और आपका आंसर इक्वल आ रहा है तो इक्वल है, नहीं आ रहा तो नॉट इक्वल होगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। देखो बढ़ते हैं, पी पी कितना है 0.18, ई क्यू 1.10, पी एफ कितना है, नहीं पी एफ ये रखा 0.36, एफ आर कितना है ये रखा है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, देखते हैं इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 × 2 = 22, 18 × 2 = 36, आपको भी पता चल गया यहाँ पे कितना आ गया 18 है, इक्वल कितना आ गया 18 बराबर कितना आ गया 18, इसे काट भी सकते हो तो चेक कर सकते थे 1:1, 1 बराबर है, तो आप कह सकते हो ई एफ पैरेलल है क्यू आर, ई एफ पैरेलल है किसके हैं क्यू आर के, तो आप लोग बच्चों कर सकते हो इसे ई एफ तिरछे पैरेलल हो गए क्यू आर के, तो आंसर हो जाएगा समांतर, ये समांतर है, ये समांतर, ठीक है बच्चों। तो शायद मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड वाला क्वेश्चन और अच्छा दे रखा है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बच्चों आपको डेली क्लास यहीं से आपको अगर जो देखना चाह रहे हो तो आपको डेली क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी, एक एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे लगातार, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है बच्चों, आप देखना चाह रहे हो तो, और पर डे पढ़ेंगे क्वेश्चन आपके डेली 2-3 जितने भी हुआ करेंगे क्लास में वो आपको भी मिल जाया करेंगे डेली। तो आगे वाला करते हैं क्वेश्चन, पहले पढ़ लो तुम लोग किताब से, देखो इसमें ट्रायंगल दे रखा है, इसे बनाएंगे पहले उसके बाद सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं 6.8 ये वाला दे रखा है, देखते हैं छपड़ी चित्र भी अजीब सा है, ये बन गया, इसे रेखा ड्रॉ कर दो यहां से यहां तक टच कर रही, सॉरी यहां तक बन रही, ठीक है, ये यहां से और ये यहां से यहां तक, तो ये दरख्त है ए एम बी सी और डी, तुम्हें पता है लगी का पता है, अरे तो हम बोल रहे हैं, अच्छी बात है तुम्हें पता है, तो सवाल कर लो पक्का, चलो अच्छी बात है, तो देखो आपको प्रूफ करना है, नहीं बताना है तुम्हें, क्या बताना है देखो, सिद्ध करना है, नहीं प्रूफ करना है तुम्हें, प्रूफ में आपको बताना है बी एफ एफ पी बी अपॉन बी सी, इसे आपको प्रूफ करना है, इसे नहीं करना है, तो देखते हैं बच्चों कैसे, देखो इसमें लिखा भी है आकृति 6.19 में डी ई पैलर है एसी के, डी ई पैलर है डी ई, देखो डी ई कौन सा दे रखा है तुम्हारे पास, सॉरी 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 सेकंड, एल एम
एल एम, देखो एल एम ये रखी, एल एम पहला रह गया सी ए सी वी, मतलब ये जो बचा किसके पहला रहे इसके बराबर दे रखा है, आगे बोला एल एम, एल एम ये वाली पहले तो किसके सीडी की, ये देखो कैसी है बचाए यानी आपस में बराबर है, इक्वल है, पहला दे रखा है तुम्हारे पास। तो देखो बच्चों करते हैं इस सवाल को भी, आपको वैल्यू भी निकालनी, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे लिए करने के लिए, और एग्जाम में आता भी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो करते हैं, पहले ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा ले लें, ए बी सी से ट्रायंगल, अपन लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, जब ए बी सी से ट्रायंगल लेंगे तो पहले कितना आ जाएगा, ए एम बराबर ए एम अपॉन में कितना आ जाएगा एम बी, एम बी तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, पढ़ लेना नेट में आती है एम बी, तो सवाल में भी एम बी आगे मिल गया, जरूरत होती है सभी को एम बी की, खैर आगे देखो आगे लिखा है तुम्हारे पास, फिर क्या आ जाएगा, सॉरी प्रूफ में मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, दूसरे का प्रूफ आपसे मैंने लिख दिया शायद यहाँ पे, सॉरी ये गलती हो गई, तो आपको प्रूफ को सॉरी करना है, इसमें आपको बताना है ए एम अपॉन में ए बी बराबर एन डी ए एन अपॉन में ए बी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे इस वाले क्या आ जाएगा, ए एल अपॉन में कितना आ जाएगा एल सी, यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी इसी को भी। तो देखो आप क्या कहते हैं यहां से, अब ये बन जाएगा तुम्हारे पास फर्स्ट समीकरण बन गया, ठीक है। यहां से देखो आ गया तुम्हारे पास क्या आ गया था, ए एम, ए एम अपॉन में आ गया तुम्हारे पास एम बी, और नीचे आ जाएगा ए एल, ए एल अपॉन में कितना आ गया एल सी आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट समीकरण समीकरण, अब दूसरे से करेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी से, ट्रायंगल ए डी सी से लगा लेंगे, जब ए डी सी 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 की बात करेंगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा नीचे, ए एन अपॉन में कितना आ जाएगा एन टी बराबर में कितना आ जाएगा ए एन अपॉन में एल सी, और समीकरण कौन सा बन जाएगा सेकंड। अब लिख देंगे बच्चों यहां पे समीकरण से, फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण एक व सेकंड से, यहां तक शायद बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हुई होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो आप क्या करेंगे, यहां से समीकरण एक बार दो को करेंगे सेकंड से। अब देखो मैं यहां पे ये करेंगे तुम्हारे पास, या तो इस वाली वैल्यू को ले लेंगे एक को, या तो इस वाली को निकाल लेंगे, एक से करना है किसी ना किसी तरीके से। देखो जब मैं इस वाली की वैल्यू उठा रहे तुम्हारे पास, क्यों उठा रहे उसका एक रीजन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारे पास ए एम, तो मुझे ए एम भी मिल गया तुम्हारे पास ऊपर देखा जाए तो, देखो मुझे ए एन, तो आपको देखो ए एन भी नजर आ रहा है ऊपर, तो यहां से कुछ मुझे कंडीशन भी नजर आ रही है, तो पहले वाले उस वाले को उठा लेंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे, और आपका फाइनली जो है आंसर आ जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निक में है थोड़ा सा, आप उसी कीजिए, और समझ में ना आए तो आप बच्चों दोबारा भी वीडियो देख सकते हो रिवाइज करके, ठीक है। तो आपको आराम ही है, आपके पास वीडियो भी ऑफलाइन में देखा जाए तो पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, यहीं पे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो बेचारे पूछ भी नहीं सकते, मतलब एक आध बार, तो आप तो कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए फायदा ही है, तो देखो आ जाएगा आपके पास ए एम अपॉन में आ गया एम बी, उधर आ जाएगा आपका ए एन, और नीचे आ जाएगा एन डी। देखो बच्चों एक काम करते हैं, मैं किसी तरीके से इस वाली वैल्यू को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई या परिवर्तन में कर सकते हैं इसे, जब मैं परिवर्तन करेंगे उससे मुझे एक कुछ चीज मिल रही है, ये जो वैल्यू मैं नीचे करना चाह रही हूं किसी ना किसी तरीके से ऊपर ले जाएंगे, तो मैं जोड़ करके वैल्यू को हल करेंगे, यहां पर लिख देंगे परिवर्तन करने पर, और उससे कोई बच्चों फर्क भी नहीं पड़ता, इस वाले को इधर कर देंगे, इस वाले को इधर कर देंगे, बात वही आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो आ जाएगा एम बी अपॉन में आ जाएगा ए एम
इक्वल में आ जाएगा एन डी अपॉन में क्या आ जाएगा ए एन। तो क्या करेंगे देखो, अब दोनों तरफ क्या करें, मैं वन को ऐड कर दे रही, प्लस वन मैंने इधर ऐड कर दिया, प्लस का वन इधर ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ वन से वन में कैंसिल भी कर सकते वैल्यू, तो भाई आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ा सवाल से, मुझे कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा इस सवाल से। देखो मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा एम बी प्लस ए एम, नीचे आ जाएगा ए एम बराबर। तो देखते हैं एम बी प्लस का कितना आ जाएगा, देखो एम बी आ गया, ए एम का और मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में कितना आ जाएगा ए एम, नीचे क्या बचेगा ए एम बराबर। देखो एन डी प्लस का कितना आ जाएगा ए एन, नीचे आएगा ए एन पूरा आ रहा होता है। तो देखो एम बी, एम बी ये दे रखा है ए एम, सॉरी एम बी और सॉरी ये दे रखा है एम बी और ए एम, तो कुल मिला के पूरा कितना दे रखा है ए बी दे रखा है, तो पूरा इसकी जगह पर पूरा मैं क्या लिख सकते हैं ए बी, ए बी आ गया, नीचे है तुम्हारे पास ए एम बराबर। इस वाले की जगह पे देखो एन डी, एन डी आपका ये दे रखा है ए एन ये दे रखा है, तो पूरे को क्या लिख देंगे तुम्हारे पास ए डी आया ना, रो देखो यहां से बच्चों क्या करेंगे, इस पे नहीं आ रहा है तो मैं ऊपर करके लिख दे रही, तो इस वाले की पूरी की जगह पे आ जाएगा तुम्हारे पास ए बी और नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास ए एम, इक्वल में आ जाएगा ए डी पूरा और नीचे आ जाएगा ए एम। अब देखो बच्चों आपको शायद प्रूफ में पूरा सही दिख रहा है, नजर आ रहा है, सही नहीं आ रहा है, तो आप प्रूफ में नजर आ रहा है तुम्हारे पास, क्या करेंगे जो वैल्यू नीचे है वो परिवर्तन फिर कर देंगे जिस तरीके से मैंने परिवर्तन किया था, तो आप परिवर्तन करके लिख सकते हो, तो यहां पर लिख देना परिवर्तन वाले, ठीक है, तो आ जाएगा ए एम अपॉन में हो जाएगा ए बी बराबर में हो जाएगा तुम्हारा ए एन अपॉन ए डी, यहां पर लिख लेना, ठीक है बच्चों। और आपको यही हेंस प्रूफ था, कुल मिला के प्रूफ करना था, तुम्हारे पास ये वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू आपके पास सेम रखी है हमारे पास, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो अब शायद एक और आपका देखा जाए बच्चा हुआ है, चलो मैं करा दे रहे, कल से आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे छोड़ा था, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक और बच्चा है, लेकिन टाइम तो नहीं है मेरे पास, करा दे रहे करते हैं मेरा फोर क्वेश्चन भी अभी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं क्या दे रखा है, सिंपल भी है, फोर क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो हमारे लिए ये ट्रायंगल दे रखा है एक, तो मजा आ रहा है ना, सही बात है, मौज तो पढ़ रहे में यहां तक पढ़ाने का आप है बनिया रो आपका बजा रहा हूँ बनवाओ तो, लेकिन बस एक चीज है क्या है वो, तो देख की बात सही हो रही है, देखते हैं इसी में लिख देते जो दे रखा है, बी दे रखा है डी ए एफ
तीन सी ये रखा है आपके पास फुल बना के। प्रूफ देखो क्या करना है, यानी सिद्ध करना है आपको अब कौन में दे रखा है ए बी सॉरी एफ बी बराबर दे रखा है बी ई ई सी, इसे आपको निकालना है। देखते हैं इसे देखो कैसे करेंगे भाई। ट्रैकर मान लेंगे यहां पे भी एक, इस वाले पूरे को देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इतने को ही ट्रैकर मान ले, इस वाले को मैं पार्ट को ये मान लो आपके लिए थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया है ठीक है। तो मैंने क्यों छोड़ दिया, इस वाले ट्रैकर देखो ये वाला आ जाएगा फिर ये वाले जो पाइथागोरस फिर ये वाली फिर और ये वाली लाइन आ जाएगी तुम्हारे पास ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ट्रैकर ए ए बी ई सी ए बी ई सी, तो इसे लगा लेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास बी डी अपॉन में आ जाएगा डी और इधर आ जाएगा एफ ई, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास ये समीकरण का देखो ये वाला और फिर ये वाली यदि मुझे यहां से अभी समीकरण बन गया फर्स्ट। ट्रायंगल दूसरा ले लेंगे यहां से देखो, ट्रायंगल दूसरे में क्या करेंगे तुम्हारे पास अब इस वाले को छोड़ देंगे एफ को छोड़ देंगे अब उस वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे। ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा बी ए सी से, बी ए सी से जब बी ए सी से सी की बात करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ट्रायंगल बी डी अपॉन में आ जाएगा डी ए इक्वल में आ जाएगा आपके पास बी ई अपॉन में ई सी, इसे नाम दे देंगे समीकरण सेकंड। बहुत अच्छी बात है, काम बहुत चल रही है, शाम चल रहा है झटका है तुम लोगों में, चलो ठीक है काम सही बात है, स्टूडेंट लाइफ होती है एंजॉय वाली लाइफ। तो देखते आगे करते हैं बच्चों, अब देखो आपको क्या चाहिए इधर वाली वैल्यू, देखो आपको नजर आ रहा होगा मैंने उतने खन क्या किया था इधर वाली मैंने वैल्यू को उठा लिया था, लेकिन अब आपको ये पता नजर आ रहा होगा ये वाली वैल्यू देखा जाए तो सेम आपके ऊपर लिखी है। जब आपकी वैल्यू सेम लिखी है तो मैं क्यों करेंगे इस वाले दूसरे वाले को वैल्यू से उठा लेंगे और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे इस वाले को उठा लेंगे आ जाएगा अपन में आ जाएगा एफ ई बराबर आ जाएगा बी ई अपन में आ गया ई सी। बच्चों इसी को आपको प्रूफ करना था या हेल्थ प्रूफ भी बोल सकते हो तुम लोग, इसे बोलना था तुम्हारे पास हेल्थ प्रूफ। यही आपको निकालना था, हेल्थ प्रूफ भी आपको करना था, तो आपका फाइनली हेल्थ प्रूफ भी हो गया। एक से लेकर के क्वेश्चन नंबर फोर करा दिए, तो आपको क्लास वाइज क्लास आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बच्चों आपसे कहना चाह रहे हैं, आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखो आप लोगों का साथ रहेगा तो हम भी आपका साथ दे सकते हैं, अगर जो आपका ही साथ नहीं मिलेगा तो शायद हो सकता है मैं दो चार वीडियो बनाए और बंद कर दें, तो आपका साथ है तो फिर शायद सबका विकास होगा। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग यू, टेक केयर।